आज का प्रेरणा पाथे अनंतानुबंधी मोह। आठ कर्मों में सेनापति सबसे बड़ा कर्म जो दुनिया में भटकाता है वो मोहनीय कर्म है। मोहनीय कर्म की चार प्रकृतियां हैं अनंतानुमंदी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संजलन। ये सारा दर्शन मोहनीय है। इसमें से कर्मों का बंधन कराने वाली, भटकाने वाली है, मिथ्या तो पैदा करने वाली है, वो अनंतानुमंदी प्रकृति है। अनंतानुमंदी प्रकृति का अर्थ ये हो कि एक चट्टान के अंदर जो है वो छेद करना, लकीर खींचना, चीजें लाओगे हथौड़ा होगा, जब एक कठोर चंता जो है वो चट्टान के अंदर रेखा बनेगी। तो इसीलिए हमारा अनंतानुबंधी वो होता है, जन्म जन्मांतर के अंदर भटकाता रहता है। ये जो है निकाचित कर्म है, ये कर्म बंधन का कारण होता है, ये कॉजल बॉडी को बढ़ाने वाला होता है। और ये अनंतानुबंधी जब हमारे भाग्योदय, कर्मोदय, पुण्योदय से कोई भी सद्गुरु मिल जाए या हमारे को सद्गुरु मिल जावे तो हमारे अनंतानुमंद का मोह का नाश करता है। तो नाश करने का अर्थ यह है वो ज्ञान से हमको ज्ञान दे देता है। ज्ञान एक दीपक है। ज्ञान मिलने, जैसे कि दीपक जलने के बाद अंधकार में से प्रकाश होता है, वह स्व पर प्रकाशक होता है। हमारी आत्मा स्व पर प्रकाश, हमारे ज्ञान का एक सूर्योदय होता है और हमारा अनंतानुबंधी समाप्त हो जाता है। उससे नए कर्मों का बंधन रुक जाता है और हम जो धीरे धीरे हमारा जो डिस्चार्ज कर्म है, यानी हमारा जो मृत अहंकार है, जो हमने जन्म जन्मांतर में कर्म इकट्ठे किए, वो तो भुगतने ही पड़ेंगे। वो बर्फ की शिला की तरह जो है पिघलते रहेंगे, हम भुगतते जाएंगे। और वो जब क्लीन हो जाएंगे, जब जीरो हो जाएगा, तो जीरो होने के कारण में हमारा प्रभु, हमारा ईश्वर, हमारा भगवान, जो कि अपने आप प्योर अवस्था के अंदर है, वो सनातन सत्य की अवस्था के अंदर है, वो शाश्वत सुख की अवस्था में है, वह सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाएगा।